हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म पार्ट वन की यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड में एक टॉपिक है जिसमें आपको एक बुक के बारे में कुछ चीजें पढ़नी है, और बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके ऑथर हैं हिप्पोलाइट टेन। पब्लिश हुई थी ये 1964 में। बेसिकली आपके सिलेबस में ये दिया गया है कि इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, की इससे आपको इंट्रोड्यूस होना है, इससे जुड़ी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये बुक किस चीज के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। हिप्पोलाइट टेन का बर्थ हुआ 21 अप्रैल 1828 में, कहां पे? फ्रांस में। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस जाते हैं और वहां पे फिलोसफी और लिटरेचर की स्टडी करते हैं। उसके बाद वो इटली जाते हैं, ओके। वहां पे वो आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री, इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, इनके बारे में पढ़ते, समझते और लिखते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट मेजर वर्क है जो पब्लिश किया, ठीक है, जिसे कहते हैं एसे ऑन लिवी इंग्लिश में। फ्रेंच लैंग्वेज में ही किया था पहले उन्होंने, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ इन 1856, ओके। जो कि रोमन हिस्ट्री, रोमन हिस्टोरियन लिवी के ऊपर फोकस करता था। उसके बाद ये प्रोफेसर बन जाते हैं। वहां पे उन्होंने एस्थेटिक लिटरेचर, इनके ऊपर लेक्चर्स को डिलीवर किया, ओके। फिर उसके बाद अभी हम बात करते हैं और उनकी लाइफ के बारे में। तो उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि वो किस अप्रोच से एसोसिएटेड है। तो वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच से एसोसिएटेड है, डिटर्मिनिस्ट अप्रोच, ओके। डिटर्मिनिस्ट अप्रोच, ये पहली अप्रोच, और दूसरी हिस्टोरिकल एनालिसिस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर लिखना है कि वो इन दो अप्रोचेस से एसोसिएटेड थे। एम्फेसाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑन ह्यूमन क्रिएटिविटी। वो कहते थे कि जो आपका एनवायरनमेंट है, जहां पे आप रह रहे हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आपका एनवायरनमेंट है, वो आपकी क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको हमें स्टडी करना चाहिए। बेसिकली कौन सी चीज आपकी क्रिएटिविटी को डिटरमाइन करती है वो समझो। हिज हिस्टोरिकल मेथड एक्सटेंडेड बियॉन्ड लिटरेचर टू एनकम्पस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, फिलोसफी एंड हिस्ट्री। लिटरेचर के अलावा भी इन्होंने बहुत स्टडी की, ओके। इसके बाद इनकी डेथ होती है मार्च 5, 1893 में, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस में। तो ये आपने याद रखना है। अभी उनकी बुक पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये एक मल्टी वॉल्यूम वर्क है, यानी कि इसके कई वॉल्यूम आ चुके हैं, ओके, आ चुके हैं। ये किस चीज के बारे में है? ये हमें बताती है कि इंग्लिश लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ 19th सेंचुरी में, कैसे डेवलप हुआ। टेन्स वर्क एम्फेसाइजेस द आइडिया दैट लिटरेचर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। वो कहते हैं कि जो आपका लिटरेचर है वो उस टाइम की हिस्ट्री, सोसाइटी, साइकोलॉजी, जो भी इंसान लिख रहा है, इन सभी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होती है। जो हमने पढ़ा है ना, बायोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल अप्रोच, वही चीज है ये भी। ही प्रोवाइड्स बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट ऑथर्स डिस्कसिंग देयर लाइव्स, इन्फ्लुएंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। ये बुक के बारे में अभी मैं आपको ना बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी हम बाद में और इसको डिटेल से समझेंगे। ये अपनी बुक में अलग अलग ऑथर्स के बारे में बताते हैं कि वो कैसे लिखते थे, कैसे नहीं लिखते हैं, उनका इन्फ्लुएंस क्या था, ये सारी चीजें बुक में बताते हैं। टेन एनालाइजेस द मेजर लिटरेरी योनरा ऑफ पीरियड, कि इस पीरियड के अलग अलग योनरा कौन से थे, जैसे पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, इन सभी के बारे में वो लिखते हैं, सभी के बारे में लिखते हैं। सो द बुक डेल्व्स इनटू द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स सच एज वॉर्स, रेवोल्यूशन एंड कल्चरल शिफ्ट्स ऑन लिटरेचर। बुक में वो ये बताते हैं कि हिस्टोरिकल जो इवेंट होते हैं, जैसे कभी वॉर हो गया, रेवोल्यूशन आ गया किसी देश में, क्रांति आ गई, कल्चरल शिफ्ट आ गया कि कोई लोग नए कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं किसी वजह से, तो इन सारी चीजों का लिटरेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। टेन ऑफन इनकॉर्पोरेट्स अ साइकोलॉजिकल एनालिसिस। साइकोलॉजिकल एनालिसिस की भी वो बात करते हैं, एक एक पॉइंट डिटेल में बाद में आपको मैं समझाऊंगा। वो कहते हैं कि एक ऑथर का जो टेम्परामेंट है, एक्सपीरियंस है,
ठीक है, वो उसके लिटरेरी आउटपुट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि एक जो आउथर है उसकी साइकोलॉजी, उसके वर्क को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ओके, टेन एम्फेसाइजेज द कंटिन्यूटी एंड एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर खास ये ध्यान देते हैं। शोइंग हाउ ईच पीरियड इज कनेक्टेड टू द प्रिसीडिंग एंड सक्सीडिंग वंस, वो कह रहे हैं हर एक पीरियड है ना जो इंग्लिश लिटरेचर का, पहले का पीरियड दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे को बर्थ देता है, थर्ड गिव्स बर्थ टू फिफ्थ। बुक कंक्लूड्स विद अ समरी एंड रिफ्लेक्शन ऑन द पीरियड हाईलाइटिंग इट्स सिग्निफिकेंस इन द ओवरऑल ट्रैजेक्टरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो अभी मेन पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। डिटर्मिनिज्म एंड लिटरेरी क्रिएशन, केन्स सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इज दैट एन ऑथर्स लिटरेरी वर्क आर शेप्ड बाय देयर एनवायरमेंट। कोई भी लिटरेरी वर्क है, चाहे कोई पेंटिंग है, चाहे कोई बुक है, नॉवेल है, एनीथिंग That is influenced by their environment, including social, geographical and historical factors. Environment का मतलब यहां पे क्या है कि आप कहां पे रह रहे हो, geographical जो आपका identity है, historical factor, social factor, किस society से आप associated हो, ये सारी चीजें determine करती हैं आपके literary work को। He emphasizes the idea that literature is not solely the result of individual genius, but is influenced by external conditions. वो कह रहा है कि individual जो लिखना चाहता है, करना चाहता है, सिर्फ वही नहीं है, ये उस time का environment है जो वो उससे लिखवाता है, लिखवाता है। So ये कुछ basic सी चीजें अभी मैंने आपको बताई। Complete video आप देख सकते हो हमारे app अमन पाठशाला के ऊपर, या फिर आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करना amanpathshala.com, ओके, या फिर ऐप डाउनलोड कर लेना अमन पाठशाला, तो वहां पे आपको कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर और बाकी सारे एमए इंग्लिश के टॉपिक्स के ऊपर मिल जाएंगे। ये वीडियो इतना ही, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।